जिस एरिया में, मेरे बात को ख्याल रखना किसान भाइयों, जिस एरिया में पानी निकलती है वहाँ हजारों लोग पानी जांच करने पहुँच जाते हैं, और जिस एरिया में पानी नहीं निकलती है वहाँ बड़े से बड़े पानी जांच करने वाले को बुला लो, नहीं आते। कप कपी छूटने लगती है दूर से ही, एरिया का नाम छूटकर ही कांपने लगते हैं। ये आज की हालात है। जब मेरे खेत में पहले पानी नहीं निकलता था और मैं ये काम शुरू नहीं किया था, नारियल अपने हाथों में लेकर नहीं उठाया था, उस समय कोई भी मेरे खेत में पानी जांच करने नहीं जाते थे। बोलते थे उनका खेत तो बहुत ड्राई एरिया में है, बहुत सूखा एरिया में है, ऐसे बोलते थे। मैं बड़े बड़े विद्वानों के पास गया, बड़े बड़े पंडितों के पास, बड़े बड़े जितने भी मिले इस लाइन में सबके पास गया। आखिरी में यही जवाब मिला मुझे, भैया उस एरिया में पानी निकलता है कि नहीं निकलता है? पहले पूछते थे, पूछ लेते थे घर में उस एरिया में पानी निकलता है नहीं निकलता है। मैं बता रहा था मेरे खेत में सूखा ही सूखा है, बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है मेरा खेत है, आइट साइड के सबके खेत में निकलता है लेकिन मेरे खेत में नहीं निकलता है। तो कोई हिम्मत नहीं करता था, कोई आते ही नहीं थे, और जो आए भी एक दो हिम्मत किए वो भी धूल उड़ गया। ऐसे तो हालात है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में पानी ज़्यादा निकलता है, निकलता ही रहता है, उस एरिया में बड़े बड़े विद्वान लोग आकर अपनी उपलब्धि गिनाते हैं, बड़ी बड़ी वीडियो बनाएंगे, बड़े बड़े वीडियो शूट करवाएंगे और दिखाएंगे, देखो 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 अमुक आदमी इतना फेमस है। लेकिन मेरे लिए वो फेमस आदमी कोई काम का नहीं है, चाहे वो कितना बड़े फेमस रहे, मेरे लिए कोई काम का नहीं है। किसान भाई, वैसे आप लोगों को भी मैं कह रहा हूँ, ये फेमस के चक्कर में बिल्कुल मत रहना, आप खुद प्रैक्टिस करके देखना, इस ब्रह्मास्त्र को खुद उठा कर देखना। वक्त बढ़ रहे उन पर, महाभारत के अंदर देख लेना, कृष्ण भगवान ने भी उठाया था सुदर्शन चक्र, याद है ना? वैसे किसानों को भी ये सब काम करना पड़ेगा, अपने खेत का पानी खुद को जांच करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए आज का टॉपिक यही रखा हूँ, जिस एरिया में पानी ज़्यादा निकलती है वहाँ पानी जांच करने वाले दौड़े दौड़े आते हैं, क्योंकि वहाँ हजार रुपये दान दक्षिणा चलते मिल जाएगा। लेकिन जिधर पानी नहीं निकलती है ना भाई, उधर बड़े से बड़े नहीं आते, अपने नाम को बदनाम करने नहीं आते, हिम्मत नहीं करते, क्योंकि कलंक लग जाएगा, सबको डर रहता है। तो भाई, मेरे आज के टॉपिक शुरू करने से पहले, आगे वीडियो चालू करने से पहले, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और बेल आइकॉन का बटन उसको दबा देना, ताकि वीडियो आपको मिल सके। मेरी चैनल में भाई मैं सच बात बोलता हूँ, लेकिन पानी जांच करते करते बोलता हूँ यार, किसी को बुरा लगे तो भाई कोई टेंशन नहीं यार, अपना नाम है, सॉरी भाई। तो चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं इस खेत में पानी जांच करना। यहाँ पानी कैसी है, अंदर की धाराता ल पत्थर की सिचुएशन क्या है, ये सब हम चेक कर लेते हैं और चर्चा करते रहते हैं इस बीच में। तो चलो भाई, ये नारियल को इसी तरह लेना है। कई लोग बोलते हैं कि सर आप उंगली का हाथ को ऊपर कर देते हो, तो भाई ऐसी तो रखते हैं आप लोग, आप नेचुरल रख लो अपने हाथ, घर में ऐसी तो होगा, ऐसे करके थोड़े कोई पानी जांच करेगा। बोलते ऊपर करते हैं, आप जैसे ऊपर करोगे तो ऐसी सिचुएशन तो आएगा ही ना, देखो ऊपर ऐसी होगा भाई, कोई ऐसी थोड़ी करेगा, ऐसी करूँगा नारियल कैसे रुकेगा, नहीं रुकेगा यार। तो फिर चलिए ऐसा रखना है ये इस पोजिशन में, और चेक करते हैं। चलिए ये देखो, देखो हम लक्की मैन हैं यार, देखो ये देखो, पैर पैर तक भी दिखाना भाई, नीचे से ऊपर पूरा देखो ये ठीक, ये देख लो और देख लो भाई, ये जहाँ मेरा पिछला कदम है, एक पैर को नहीं रखा हूँ, देख लो पिछला कदम ड्राई एरिया में है, पत्थर के ऊपर है, लेकिन जैसे ही कदम आगे बढ़ा रहा हूँ ये देखो पानी है, ये सिचुएशन है। इसको और चेक कर लेते कि कितनी मोटी पानी है यहाँ की, देखो नीचे दिखा देना भाई, देखो ये यहाँ पर है पानी, यहाँ पर कुछ अपन गड़ा देते हैं, यहाँ पर गड़ा देते हैं ठीक। अब इधर देखते हैं कि इधर क्या है, ये
एक बीते का पानी है, देखो एक बीता कितना आएगा, लगभग 9 इंच पानी है। देखो ये ये ये, इसको मैं बैठ के भी दिखा रहा हूँ यार, देख लेना। देखो जहाँ बैठा हूँ वहाँ ये सिचुएशन ड्राई का है, देख लो। और जहाँ पैर हाथ रखूँगा देखना, ये ऑटोमेटिक, ये देख लो, ये देख लो भाई, ये ठीक ठीक ठीक। तो ये सिचुएशन बनी हुई है, जहाँ पानी रहता है ऑटोमेटिक उठेगा। चलिए भाई अभी इस पोजीशन को छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। चलिए जी, फिर ड्राई आ गया। तो पानी की धार कैसा है? ऐसी है, इस पानी की धार उधर से आई है, ऐसे चली गई है, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं और आगे जी। तो हम कह रहे थे इधर सूखा है, चर्चा करते करते आगे बढ़ेंगे। पीछे गड्ढा है भाई, देख लेना, ये इधर ड्राई है, मतलब पत्थर यहाँ पर कड़ा आ गई है, वहाँ पर पत्थर भी सॉफ्ट था, पानी है इसलिए, लेकिन इधर कड़ा हो गया। फिर इधर देखो, ये फिर पानी, ये देख लो भाई, फिर पानी आ गई। पीछे कर रहे हैं, ड्राई है, मतलब ड्राई है लेकिन नमी है यहाँ पर। और ये इस पोजीशन में पानी है, तो इस खेत में दो धार मिल गई है, वो धार की दिशा अलग थी और इस धार की दिशा अलग है। तो भाई कहीं भी कोई इंसान बुलाता है तो वहाँ हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और बदनाम होने का डर भी नहीं रखना चाहिए आदमी को। कुछ करता है वही तो बदनाम होता है, जिनका नाम होता है वही तो बदनाम होता है ना, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं बहुत भुक्तभोगी आदमी हूँ यार, अपने खेत में बड़े बड़े पानी जांच करने वालों को बुलाता था लेकिन नहीं आते थे, इसलिए आज ये वीडियो बनाना पड़ा है अपनी अनुभव को आप लोगों के बीच साझा करने के लिए कि भाई इस दुनिया में ऐसे ऐसे भी इंसान हैं जो केवल उसी एरिया में जाना पसंद करते हैं जिधर पानी निकलता है, और पानी नहीं निकलता उधर जाना पसंद नहीं करते। मेरे खेत में पानी नहीं निकलता था तो आना पसंद नहीं करते थे। इधर इस साइड में है तो पीछे देख लेते हैं क्या पोजीशन है, थोड़ा सा पीछे जाके ये, हाँ ये पानी बढ़िया है। और ये धार मेरे ख्याल से, हाँ ये धार जो है अपन जो चेक किए थे उसी में, यहाँ पर दो तीन धार का संगम है। तो यहाँ पर हम उस पॉइंट पे नहीं जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि भाई पानी जांच करने वाले क्यों ऐसा करते हैं, उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ये भी नहीं देखना चाहिए कि कौन से एरिया ड्राई है और कौन से एरिया में पानी निकलता है। अगर आपके पास हुनर है तो ये कभी मत देखो कि ड्राई एरिया में ही जाने से बदनामी हो जाएगी, कि या पानी वाले एरिया में जाऊंगा तो मुझे ख्याति मिलेगी, ऐसा कभी नहीं सोचना है भाई, भला सबका करना है, ये गॉड गिफ्टेड रहता है। भगवान ने आपको इतनी अच्छी अच्छी कलाएँ दी है, तो आपको देखो कितना अच्छा अच्छा पानी इस खेत में, जगह जगह पानी है, आप स्वरूप इधर पानी का डोज ज़्यादा है। देखो ये देखो, तो ये इस खेत में अच्छा पानी है, जगह जगह पानी है, देख लो भाई। बढ़िया पोजीशन में है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ना छोटे बड़े भी नहीं देखना चाहिए। जैसे कि सौरी भाई है, ये का स्वभाव बना लिया है अपना कि उस एरिया में ज़्यादा जाना है जिधर पानी कम निकलती है, ड्राई एरिया है, सूखा एरिया है, उधर जाने का एक प्रवृत्ति बना लिया है। उसी तरह से भाई आप लोग भी अपने स्वभाव में परिवर्तन ला लीजिए और उस एरिया को ज़्यादा चयन करिए जिधर पानी कम निकलता है। आप वही नाम कमा सकते हैं ज़्यादा जहाँ पानी कम निकल रही है, और वहाँ तो भाई कोई भी लल्लू पंजू जाके पानी निकाल देगा, तो फिर बड़े बड़े नामी को बुलाने की क्या ज़रूरत है। मुझे तो कई जगह से बुलाते हैं, लेकिन मैं पहले पूछ लेता हूँ भाई कि पानी निकलता है कि नहीं निकलता। पानी नहीं निकलता है बोलते हैं तब सॉरी भाई एग्री होता है। तो भाई आप लोगों को भी अच्छा से प्रैक्टिस है, आप लोगों के पास अनुभव है, तो जो मैं तकलीफ पाया हूँ वो तकलीफ किसी और किसान के पास ना आए, इसीलिए आप लोगों के बीच मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई पानी निकलेगा उसी एरिया हम जाएंगे, यह भाव को आप लोग त्याग दीजिए। क्योंकि मैं बड़े बड़े विद्वानों के पास गया, बड़े बड़े पानी जांच करने वालों के पास गया, कोई नहीं आया मेरे खेत में, कोई नहीं आते थे। पहले पूछ लेते थे, वहीं से फाँक देते थे,
मेरे पास जब खुद कोई नहीं आए तो भाई कोई एक साधारण किसान बुलाएगा तो कहाँ जाएगा। सॉरी भाई के बुलावा में नहीं आया तो मुझे उम्मीद नहीं है कोई और बुलाएगा तो आएगा। तो भाई ऐसा स्वभाव बिल्कुल आप लोगों के नहीं अपनाना है। प्यास सबको लगती है, जरूरत सबको पड़ती है, इसलिए भाई वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पे आप लोगों को काम करना है। हाँ, इधर फिर पानी आ गई है, पानी मिल गई है। अभी तक तो हम लोग ड्राई एरिया में जाते थे लेकिन एक किसान के खेत में बहुत पानी है, जगह जगह पानी है। यहाँ पर कम है, हाँ यहाँ पर अच्छा पानी है। ये बोलते हैं यार काफ़ी लोग कि सॉरी भाई उल्टा सीधा ज़्यादा बोलता है, तो भाई सॉरी भाई उल्टा सीधा नहीं बोलता है यार, काम की बात बोलता है, जो दुख भोगा है वही बात बोलता है। देखो ऐसा है। तो भाई इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि किसानों के साथ पानी जांच करने वाले जो भेदभाव करते हैं वो मत करें। आपके एरिया ड्राई है तो ड्राई एरिया में ही पहुंच जाइए, आप जहां हैं उस एरिया को पहले महत्व दीजिए। जैसे कि भाई मुझे कोई दूर वाले आदमी बुलाएगा तो मैं नहीं जा पाता, लेकिन भाई आप लोग पास में हो इसलिए पहले प्राथमिकता ड्राई एरिया का दो, जहाँ पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पानी वाले एरिया में तो एक दूसरे किसान अपना एडजस्ट कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पहली प्राथमिकता अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी ड्राई एरिया ही होना चाहिए। ड्राई एरिया से शुरुआत करना चाहिए, दिन की शुरुआत ड्राई एरिया से करना चाहिए, क्योंकि ड्राई एरिया में पानी मिलेगा तो कई पीढ़ी किसानों का तर जाएगा, भला होगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को मुझसे कुछ सलाह लेना है तो समय 8 बजे से 9 बजे के बीच रात्रि में फ़ोन कर सकते हो, इस बीच मैं उपलब्ध रहूँगा। या फ़ोन नहीं उठा पाया किसी कारण से तो व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका मैसेज पढ़कर आप लोगों को बता दूँगा। भाई जैसा मुझसे होगा मैं आपको सलाह दूँगा। हाँ, मेरे चैनल का नाम है किसान का बोर, KISANKABOR, किसान का बोर। आप लोग YouTube में सर्च करना, फिर मेरा चैनल निकल जाएगा, आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहना। हाँ भाई, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता यार तो और भी बहुत सारे यूट्यूबर है उनका वीडियो देख लेना, लेकिन उल्टा सीधा कमेंट मत करना, आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो भाई हम लोग फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सॉरी भाई को जय जोहार।